पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा डीपी यादव को समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर सपाइयों में हर्ष का माहौल है। गुरुवार को सपा जिलाध्यक्ष के आवास पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया, साथ ही फूलमाला पहना कर बधाई भी दी। अब तक समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे जयवीर यादव को जिला पंचायत चुनाव में हार की वजह से हटा दिया गया था, जिसके बाद जिलाध्यक्ष पद खाली चल रहा था, जिसे लेकर दावेदारों ने भी खूब जोर आजमाइश की। वहीं सपा के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि हम संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर विधानसभा के उम्मीदवारों को जिताने का काम किया जाएगा। तो वहीं 6 के 6 विधानसभा की सीटें सपा के खाते में जाएंगी। पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव साहब को स्वागत के लिए धन्यवाद दूंगा। प्रोफेसर रामगोपाल यादव साहब को इस बात को धन्यवाद दूंगा, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक इस योग्य समझा कि मुझे पार्टी की जिले में पार्टी संभालने की जिम्मेदारी दी। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता साथ लेकर मैं चलूँगा और जो वरिष्ठ साथ हमारे लोग हैं उनकी राय शामिल करके युवाओं का साथ लेकर पार्टी को नई ऊंचाइयों पर और जाने की पूरी कोशिश करूँगा। वैसे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, उसके लिए मतलब आप अध्यक्ष हुए तो बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या प्रयास रहेगा उसके लिए? बड़ी जिम्मेदारी मिली तो बड़ा काम करके भी दिखाएंगे। 6 की 6 सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी, उसमें कोई शक नहीं है। जनता में समाजवादी पार्टी का जनाधार बहुत बढ़ रहा है और भाजपा का ग्राफ गिर रहा है। मुरादाबाद मंडल में समाजवादी पार्टी बहुत सीटें जीतेगी और हम अपने जनता से जिम्मेदारी लेते हैं कि 6 की 6 विधानसभा सीटें जिताकर पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।